संस्कार अंस्कार भूल गई हो क्या? पैर छूने के लिए कौन बोलेगा? खुश रहो। अब मेरा कौन पढ़ेगा? ये कोई चाय है? क्या हुआ माजी? ना कोई शक्कर जना रहे, ना ही चाय पत्ती, ऐसे ही चाय बन। मैं अब चाय बनाना सिखाना पड़ेगा हमें तुम्हें। क्या सीख के आई हो? नहीं माजी। एक तो कुछ ले, एक आई हो नहीं। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अब ये लोग ही कितना डांटती हूँ मेहमान के सामने भी, इसको डांटती थी, थोड़ा शर्म भी नहीं आता तुमको? अरे आप तो चुप ही रहिए, सर पे चढ़ा रखे हैं बिल्कुल, इसीलिए इतना अच्छा चाय पिला रही है। अरे आप अपनी बहू कैसे क्यों डांट रहे हैं? कुछ ले लेके आई है कि नहीं अपने मायके से? क्या लेकर आएगी, ये नीची जाति की है ना। तो कुछ अपने घर से लाई है कि नहीं? नहीं नहीं। तो क्या है शादी के लायक? हाँ बेटी का भी उम्र हो ही गया है। लड़का देख रहे हैं कि नहीं? अभी तो नहीं देखे हैं। क्या आपके पास है क्या? हाँ देखो, हमारी नज़र में एक लड़का है अभी। अच्छा, देख लिया जाएगा उससे भी? हाँ वो बहुत ही अच्छा है, अमीर घर का है। अच्छा, तो आप उनसे बात कीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो हमें दौड़ लगाने आ जाती हो? उतनी देर से घर में धूल पड़ा था, कचरा था, तो नहीं दिख रहा था। मेहमानों के सामने आ गई दिखाने के लिए झाड़ू लगाने। अब लोइन का नया नाटक स्टार्ट हो गया। माँ कहाँ हो, आओ तो जल्दी देखो। अरे अब क्या नाटक करने लगी? अब क्या हो गया तुमको? अब साफ सफाई नहीं करनी है? बस हो गया, अब सफाई करो। जी माँ जी। खाने के लिए करती हैं। अगले दृश्य में हम देखेंगे कि उनकी बेटी की उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाती है, लेकिन वो लोग बहुत ही अमीर घर के होते हैं, इसलिए उनके परिवार वाले उनको अधिक दहेज नहीं दे पाते हैं। उसके कारण भी उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है जैसा उन्होंने अपनी बहू के साथ किया था। आइए देखते हैं इसका दृश्य। अजी जरा पानी मंगवाओ तो बहुरिया से। ए बहू सुनो, जरा अपने पिताजी के लिए पानी लेकर आओ। हाँ माँ जी, ला रही हूँ। और बताओ बहू, घरों पे फोन बात करती हो कि नहीं? तुम्हारे पापा तो मुझे भूल ही गए हैं। क्या हुआ? वो बोले थे बुला रही क्या तुम, शादी से पहले क्या बोले थे? क्या बोले थे पापा? नहीं पता मुझे। बहुत जल्दी भूल जाती हो। पैसा वैसा मिलेगा कि नहीं? मैं बात ही नहीं। तुम्हारे पापा तो मुझे भूल ही गए हैं, कभी फोन ऑन नहीं करते। ठीक है पापा, इस बार बात करूंगी तो बोल दूंगी कि आपसे बात कर लें। हाँ जरूर, अभी जाओ फोन करो। ठीक है, जल्दी जाओ। क्या तुम फोन चलाती रहती हो? काम धंधा तुमको नहीं करना है? माँ जी वो पापा बोले हैं कि घर पे काम। क्या पापा बात करती रहती हो? अपनी गलती देखती नहीं हो? पापा पापा करती रहती हो? जाओ काम करो अपना। अरे बहुरिया। हाँ तो हमें काम कर रही हो, बात होती कि नहीं? वो मामा। क्या मामा वाला लगाई रहती हो? जल्दी फोन करो, बात करो। ठीक है यार। फिर फोन ले रही तुम? माँ जी वो पापा बोल रहे। पापा पापा करती रहती हो तो फोन? जाओ अपना काम करो। और हम लोग जा रहे हैं बाहर। ठीक है माँ जी, घर संभालना अच्छे से। ठीक। यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गए, यहाँ पे तो जीना ही हराम हो गया। कहाँ फोन मेरा है? हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटी बोलो, रो रही हो तुम? माँ जल्दी आ जाओ। क्या यहाँ पे लोग बहुत परेशान कर रहे थे। रुको हम आते हैं। अरे सुनते हो? हाँ बेटी रो रही है, चलते हैं। हाँ चलो रुको, हम आ रहे हैं। हाँ मैं जल्दी आ जाओ। अरे जी नमस्ते। नमस्ते, आपका आना कैसे हुआ? अरे वो एक काम था, बुला दीजिए वो बात करना था। बहू? हाँ मैं। आप तुम्हारे पिता आए हैं, मम्मी आई है, मिलो। अरे
रो मत, रो मत, पानी वाने लाओ मम्मी पापा के लिए। अरे वो ऐसे ही रो रही थी, थोड़ा समझते हैं ना। वो तो बोल रही है खुशी के आंसू है, वो तो बोल रही है क्या, वो रो रही थी, बोल रही थी दहेज वही क्या। हाँ तो आप लोग को याद है कि नहीं, आप लोग को याद है कि नहीं वो बात दहेज वाली? हाँ हाँ, शादी से पहले की थी, भूल जाती हैं आप। हाँ हाँ याद है, लेकिन आप ऐसे रो रो रही है वो। आप लोग तो हमें ही भूल गए, कभी फोन ऑन नहीं मांग लेंगे हम क्या। तो मेरे बेटी पे मत अत्याचार कीजिए, मेरे तनख्वाह आएगा तो आपको मैं पैसे दे दूंगी। आपको कितना दिन से तनख्वाह आ रहा है? आ जाएगा 3-4 दिन में आपको दे दूंगा। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप वो है नीचे थोड़ा से है पैसे मेरे से, लेकिन प्लीज दे दीजिए 2 दिन के अंदर। लेकिन मेरी बेटी पे अत्याचार मत कीजिए आप लोग। हाँ नहीं करूँगा, लेकिन पैसा दे दीजिए पहले। नमस्ते, क्या कर रही हो? अरे ये मेरे मौसी का घर है। मौसी का घर है? हाँ हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? आप इसके बारे में पूछते ही कहा है कि ये बताएगी, आप तो बस इस पर अत्याचार करती हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा आप बताइए आप यहाँ कैसे? हम तो मेरी बेटी है यहाँ, इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा अच्छा, तब क्या हुआ है, ये रो क्यों रही है? खुद ही पूछ लीजिए क्या करते हैं ये लोग। अरे कुछ नहीं, ये बोले थे कि देने के लिए पैसा अभी तक दिए हुए नहीं है, शादी से पहले बोले थे। अब आपको समझ में आया, आप भी मेरी बेटी के साथ अत्याचार करते थे, देखिए आपकी बेटी के साथ भी यही हो रहा है। बहुत जल्दी समझ रही हैं आप। वैसे समझ ही जाना चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि आपने भी इनकी बच्ची के साथ ऐसा ही किया था, याद है कि नहीं? हाँ याद है, समझ आ रहा है। आपको सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया था। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझसे माफी मत मांगिए। अरे अरे माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे कैसे माफी मांग सकती हैं? बड़े लोग कभी छोटों से माफी नहीं मांगते। अरे अरे बस आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। बस आप मुझे अपनी बेटी मानिए, तभी मैं आपको अपनी माँ मानूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे ठीक है छोटे, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, सबसे गलती होता है। आपने इस एकांकी से देखा कि कैसे किसी के साथ अत्याचार होता है तो उसके साथ भी होते रहता है, इसलिए हमें किसी के साथ भी दहेज को लेकर अत्याचार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।